राम मंदिर के बाद पश्चिम बंगाल के मायापुर में बन रहा सबसे बड़ा श्री कृष्ण मंदिर विश्व के सबसे बड़े वैदिक मंदिर के रूप में रहेगा प्रसिद्ध। कई डॉलर का आया इस मंदिर के निर्माण में खर्च। इस मंदिर के एक ही बिल्डिंग में 10,000 से भी ज्यादा लोग खड़े होकर कर लेंगे भगवान का जप और तप। विश्व में अलौकिक है ये मंदिर। हमारे साथ जानिए इस मंदिर के बारे में पूरी विस्तार से कथा, जिसे जानकर आपका भी मन श्री कृष्ण पर हो जाएगा यथा। जहाँ एक तरफ राम मंदिर बनकर तैयार है तो वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण मंदिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जिसकी चर्चा भी इस समय खूब हो रही है। लोग इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। इसका भव्य स्वरूप इतना अच्छा है कि इसके आगे दुनिया की तमाम इमारतें फीकी लगती हैं। आज हम आपको इसी बारे में पूरी खबर सिलसिलेवार बताने जा रहे हैं, जिसके बाद आप भी कृष्णमय हो जाएंगे और इस कृष्ण मंदिर की तारीफ करने लगेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में मायापुर स्थित इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के मुख्यालय में दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर बनकर तैयार है। दुनिया के सबसे बड़े वैदिक तारामंडल मंदिर में 100 मिलियन डॉलर की लागत आई है। ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर है। इससे पहले कंबोडिया के 400 एकड़ बड़े अंगकोर वाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर था। इतना ही नहीं, ये कृष्ण मंदिर वैदिक तारामंडल मेहमानों का ब्रह्मांडीय निर्माण के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण करने के लिए काफी होगा। इस मंदिर के द्वारा ब्रह्मांड से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाएगी और लोगों को वैदिक संस्कृति के बारे में बताने में भी सक्षम होगा। तो वहीं बीते दिनों इस्कॉन मायापुर के संपर्क अधिकारी रसिक गौरांग दास ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि कोरोना महामारी के कारण मंदिर का निर्माण देर से हुआ। फिलहाल इसको लेकर यह अनुमान था कि यह निर्माण बहुत पहले यानी 2022 में ही पूरा हो जाएगा, लेकिन कोरोना के कारण ऐसा ना हो सका। तो वहीं इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद के आदर्शों के सामने रखकर वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में कैपिटल बिल्डिंग के डिजाइन से प्रेरित होकर बनाया जा रहा है। इस भव्य मंदिर को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक इस मंदिर के प्रत्येक मंजिल पर एक साथ 10,000 भक्त एक प्रार्थना कर सकते हैं। इस मंदिर को लेकर जिम्मेदारों ने बताया कि जुलाई 1976 में वाशिंगटन यात्रा के दौरान श्रील प्रभुपाद कैपिटल बिल्डिंग की बाहरी डिजाइन से बहुत प्रभावित हुए थे। प्रभुपाद ने अनुरोध किया कि अम्बरीश प्रभु नए मायापुर मंदिर की लागत में योगदान दें। इसको लेकर मिली जानकारी के मुताबिक अम्बरीश दास अल्फ्रेड फोर्ड प्रसिद्ध व्यवसायी हेनरी फोर्ड के परपोते और फोर्ड मोटर कंपनी के भावी मालिक हैं, जिन्होंने इस्कॉन में शामिल होने के बाद 1975 में अपना नाम बदलकर अम्बरीश दास रख दिया था और उन्होंने मायापुर में मंदिर के बुनियादी ढांचे के लिए 30 मिलियन डॉलर दिए थे। मंदिर का निर्माण 2010 में शुरू हो गया था, तो वहीं इसकी लागत 100 मिलियन डॉलर लगने की उम्मीद जताई गई थी। वैसे फिलहाल आप इस श्री कृष्ण के मंदिर को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है ये मंदिर विश्व का अलौकिक मंदिर है? फिलहाल श्री कृष्ण के और भी कई मंदिर हैं जिनकी सुंदरता अलौकिक है। इस कृष्ण मंदिर को लेकर आप जो भी कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल की मायापुर में स्थित ये मंदिर बीते कई सालों से इतना चर्चाओं में है कि इस मंदिर के निर्माण कार्य के शुरू होने के कुछ दिन बाद ही यहाँ पर भक्त लोग आने लगे थे और यहाँ की सुंदरता और चमक धमक को देखकर चकित रह जाते हैं। और कुछ ऐसा ही मंदिर कानपुर के बिठूर में भी है। ये भी मंदिर श्री कृष्ण का ही है, जिसे भी लोग देखने के लिए भारी मात्रा में आया करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।